हेलो स्टूडेंट्स, कैलेंडर के बारे में बात करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, यदि किसी माह की 2 तारीख को सोमवार है तो उसी माह की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर के अंदर सबसे बड़ी जो बात होती जो आप लोगों को याद रखनी वो है कि हर एक दिन 7 ऐड करने से रिपीट होता है। जैसे अगर 2 तारीख को मंडे है तो 7 इसमें ऐड कर दो, 9 तारीख को भी मंडे ही होगा। फिर 9 में 7 ऐड करेंगे तो 9 और 7 16 को भी मंडे ही होगा। तो इस तरीके से इस चीज़ को याद रखना है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस को करेंगे। एक हफ्ते की बात है या 2 हफ्ते की बात है तो हम इसको डायरेक्टली अपने आप से जोड़ सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं, महीने के गैप आ जाते हैं या उससे ज़्यादा या कम होते हैं तो हमें दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक समझाऊँगा। इस क्वेश्चन को देखें, 2 तारीख को सोमवार है तो 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो जितनी तारीख आपको दी है उसमें से जितनी तारीख पहले वाली है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो 12 माइनस 2 बराबर होगा 10। जो अंतर आता है उसको हमेशा 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7 जो ये आया इसको नहीं देखना है, कितना शेष बचा वो देखना है, 3 शेष बचा है। तो जो आपका 2 तारीख को दिन था उसमें ये 3 ऐड कर देंगे, जैसे सोमवार 1 2 3, तो मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, तो आपका 12 तारीख में बृहस्पतिवार होगा, मतलब थर्सडे होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यदि किसी माह की 18 तारीख को शनिवार है तो उसी माह की 3 तारीख को कौन सा वार होगा। अब आप इसमें देखेंगे क्या डिफरेंस है, उसमें पहली तारीख दी थी और आगे की तरफ पूछा था, इसमें 18 दिया है पीछे की तरफ गया है, मतलब 3 तारीख की तरफ गया है। 18 क्या होता है, बाद में आता है 3 से, तो 18 दिया 3 की तरफ आना है, उल्टा आना है। जब उल्टा आना है तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल पहले तो वही प्रोसीजर करना है जो पहले किया था। 18 में से हम 3 को माइनस करेंगे 15, और 15 को फिर 7 से डिवाइड करना है, 7 दूनी 14, और ये देखना है कितना शेष आया, 1 शेष आया। इस 1 शेष को वहाँ आगे की तरफ गए थे, यहाँ पीछे की तरफ जाएंगे। जैसे 18 तारीख को अगर शनिवार है तो 1 कम करेंगे, शनिवार जो है उससे 1 कम करेंगे, मतलब 1 पीछे जाएंगे, तो इधर इधर क्या होगा, जब इधर जाएंगे तो शुक्रवार आएगा, मतलब उससे पहले वाला दिन, तो शुक्रवार। इस तरीके से हम निकालते हैं इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, ये 7 से 8 बार एग्जाम्स में आ चुका है। 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा वार होगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। पहले तो आपको जिस महीने से शुरुआत की है उसके दिन देखने हैं कितने होते हैं। जैसे अक्टूबर है, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। अब जितनी तारीख अक्टूबर की दे रखी है उसको इसमें से माइनस करेंगे, 30। फिर से मैं बता देता हूँ, जो महीना दे रखा है उसके टोटल दिन लिखने हैं कितने होते हैं उस महीने में, और इस महीने की जो तारीख दे रखी है उन टोटल दिन में से उसको माइनस कर देंगे, जो आएगा उसमें अगला महीना जो दिया है आगे की जो तारीख दी है उसको ऐड कर देंगे। जैसे 1 नवंबर दिया तो इसमें ऐड कर देंगे, तो 31 हो जाएगा, जो आएगा उसको 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28। अब देखेंगे कितना शेष बचा है, 3 शेष बचा है, इस 4 को नहीं लेंगे, शेष को लेंगे। जो ये शेष आया है अब हम उसको आगे की तरफ जा रहे हैं, अगले महीने की तरफ जा रहे हैं। जब हम अगले महीने की तरफ जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, उल्टे आते हैं तो माइनस होता है, आगे जाते हैं तो प्लस होता है। तो यहाँ रविवार था तो रविवार में 3 दिन, 1 2 3, तो सोम मंगल बुध, तो उस दिन बुधवार होगा। इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 फरवरी को गुरुवार है तो 4 जनवरी को कौन सा वार था। देखो मैंने वो क्वेश्चन लिया आगे की तरफ जाने वाला, ये क्वेश्चन है पीछे की तरफ जाने वाला, तो इसमें फरवरी की बात कर रहा है और हमें पता है फरवरी में 28 दिन होते हैं। जब तक कि वो ये खुद ना बोले कि जो साल दिया है वो साल आपका लीप ईयर है या वो साल को दे दे कि हम निकाल लें,
कोई भी साल अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर होता है, लेकिन यहाँ किसी साल की बात नहीं की है तो 28 दिन माना जाएगा। तो फरवरी के 28 दिन, उसमें से फरवरी की जो तारीख दे रखी है उसको माइनस कर देंगे तो आया 15, 4 जनवरी दे रखा है तो उसको ऐड करेंगे तो 19 आएगा। देखिए आगे का महीना दे रखा है या पीछे का, तारीख तो उसकी जुड़ेगी ही, बस जो बात है कि अगर पीछे की तरफ जाएंगे लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर आएगा, सेस आएगा, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो 19 आया, अभी इस 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 2 = 14। अब हमारा सेस बचा 5, इस 2 का कुछ नहीं करेंगे, 5 जो सेस आया इसकी बात करेंगे। कब से? गुरुवार से। जाना कब है? फरवरी से जनवरी में जाना है, पीछे की तरफ जाना है तो हम गुरुवार से पीछे की तरफ जाएंगे। ये गुरुवार है, इससे हम 5 दिन पीछे जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो गुरुवार से पहले आता है बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार। तो 4 जनवरी को कौन सा वार था? शनिवार। तो ये आपका आंसर आएगा जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन किया जाएगा। पीछे की तरफ जाने में हमने ये पीछे की तरफ गए, अगले महीने की बात करते तो आगे की तरफ जाते। किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। यदि 30 जनवरी 2015 को गुरुवार हो तो 3 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? यहाँ बीच में पूरा एक महीना गायब है, जनवरी के बाद सीधे मार्च की बात कर रहा है, तो प्रोसीजर वही है। अब हमें देखो यहाँ 2015 दिया है, तो मैंने जैसा आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि या तो वो साल देगा, उसको हम देखेंगे लीप ईयर है कि नहीं है, और या फिर वो लीप ईयर है या नहीं है ये बोलेगा। तो 2015 जो है वो लीप ईयर नहीं होता, क्योंकि 2015 चार से डिवाइड नहीं होता है। फिर से मैं बता देता हूँ, जो साल 4 से डिवाइड होता है वो ही लीप ईयर कहलाता है। अब यहाँ 30 जनवरी है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 31 − 30 = 1। पहला स्टेप जो होता है, जिस महीने की बात है उस महीने के दिन में से उसकी तारीख को माइनस करते हैं, वो हमने किया। फिर उसके बाद फरवरी आता है, फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो पूरा 28 दिन उसमें जुड़ जाएगा, प्लस मार्च की 3 तारीख दे रखी है तो 3 भी उसमें जुड़ जाएगा, बाकी को हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो 28, 3 = 31 और 1 = 32, जो इनका टोटल आएगा उसको 7 से भाग करेंगे, 7 × 28। अब इसको नहीं देखेंगे, शेष कितना बचा है? 4, इसको देखेंगे। तो ये 4 जो है वो शेष वाला 4 है। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, क्योंकि जनवरी के बाद मार्च आता है, जनवरी के बाद आता है मार्च, आगे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ जो गुरुवार था, गुरुवार इसमें 4 ऐड हुए, 1, 2, 3, 4। गुरुवार के बाद आएगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो हम कह सकते हैं कि 3 मार्च 2015 को इसके अकॉर्डिंग सोमवार होगा। इस तरीके से कैलेंडर के सारे क्वेश्चंस को विद ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, ना दिन का कोई कन्फ्यूजन होता है, ना ही डेट का कोई कन्फ्यूजन होता है। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।